नमस्कार दोस्तों, मैं के एन मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जो के एन मौर्य के नाम से है। आज हम किसान भाइयों, आज तारीख है 19 जनवरी सन 2019। हम आ पहुंचे हैं रामगढ़ भैया के, एक हमारे किसान है, प्रगतिशील किसान है, जो मिर्च की खेती किए हैं। और आइए हम इनसे इनके बारे में बात करते हैं और किस तरह से इन्होंने मिर्ची को लगाया और आप भी इनसे कैसे सीखेंगे इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सुदर्शन यादव, ग्राम रैया, पोस्ट रामगढ़ का रहने वाला हूं। जिला चंदौली। जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जो मिर्च आपने खेती की है ये कितने एकड़ में है प्लाट? एक बीघा से कुछ ज्यादा है। एक एकड़ से थोड़ा कम है। हमारे यहाँ बीघा जो है बड़ा चलता है, 20-20 का बीघा है। ठीक है, तो इसको तो पहले ये बताइए, लगाने से पहले एक किसान जो मिर्च लगाना चाहता है वो क्या क्या करे, कितनी जुताई कराई आपने? इसमें 3 जुताई हुई है। 3 जुताई, बढ़िया से। एक मिट्टी पलट हल से, मिट्टी पलट हल से जुतवा करके उसके बाद मेड़ बनवाए। ठीक है, मेड़ की दूरी क्या रखी है आपने? मेड़ की दूरी 3 फीट है। 3 फीट मेड़ की दूरी है। पौधे से पौधे की दूरी क्या लगाई आपने? 1 से 1.25 फीट। 1 से 1.25 फीट की दूरी, मतलब पौधे से पौधे की दूरी आप 1 से 1.25 फीट रखें और मेड़ से मेड़ की दूरी 3 फीट रखें। इस पे जो आपने रोप लगाया है वो दो दो प्लांट करके लगे हैं? दोनों है। अच्छा, दो भी लगे हैं। और जो कमजोर पौधा था वो दो लगे हैं, जो मजबूत पौधा था वो जो पौधा मजबूत था उसको हमने 1 लगाया है और जो कमजोर थे उसका 2 लगाया है। इसमें जुताई का जब आप खेत बना रहे थे बोने के लिए तो क्या क्या डाला है आपने? उस समय सर हम इसमें गोबर की खाद में 1 बोरे सड़े हुए गोबर की खाद में प्रीमियम मिला के 1 लीटर इसमें। एक तो आता है बायो का, बैक्टीरियल प्रोडक्ट, ग्रीन प्लांट बायो प्रोडक्ट का प्रीमियम 1 बोरे सड़े की खाद, सड़ी हुई खाद में मिलाया और डाल दिया। ठीक है, रासायनिक फर्टिलाइजर की मात्रा बताइए। रासायनिक फर्टिलाइजर की टोटल इसमें है 2 बोरे डीएपी पड़ी है, 2 बोरे यूरिया बस। डीएपी कब कब दिया है आपने? डीएपी वही मेड़ चढ़ाते समय, जब पौधे लग गया उसके बाद चढ़ाते समय इस पे दिया। अच्छा, मतलब पहली डीएपी आपने दिया जब आप प्लांट पकड़ लिया, कुड़ाई कराए इसकी और मेड़ चढ़ाते समय डीएपी डाल के दे दिया। फिर दोबारा भी दिया डीएपी? एक बार दिए हैं, थोड़ा सा दिए हैं। अच्छा, थोड़ा। ठीक है, यूरिया कितना दिया है आपने? वही 2 बोरे के लगभग यूरिया भी दिया अभी तक। अच्छा, अभी तक ये कब कब का लगाया है आपने इसको? अगस्त का लगा, अगस्त फर्स्ट वीक का। अगस्त फर्स्ट वीक का लगा है, 2 बोरी डीएपी और 2 बोरी यूरिया इन्होंने लगाया है। केमिकल स्प्रे की बात करें हम मिर्च में, मिर्च में बहुत सारा किसान हमारा परेशान हो जाता है, तो मिर्च में केमिकल स्प्रे कितना हुआ है? इसमें सर केमिकल तो नहीं डाले हैं, हाँ दूसरे एक और ही ऑर्गेनिका डाले हैं। मतलब सहारा लेना पड़ा है, थोड़ा सा सहारा लेना पड़ा है। चलिए बताइए क्या क्या और कैसे प्रयोग किया है इसमें आपने? इसमें शुरू में वही स्प्रे करते समय अर्गोमाइट और वायरस। ये किस किस लिए, ये पहले किसानों को बताते चलिए इसका स्प्रे क्यों हुआ है? ये माइट और थ्रिप्स के लिए हुआ है। माइट, थ्रिप्स और सफेद मक्खी के लिए। ठीक है, जिससे पौधे जो है ये चिड़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दिया? ये SA90 स्टिकर। और ग्रोइंग के समय क्या दिया है आपने ग्रोथ के लिए? ग्रोथ के लिए एक नाइट्रो किंग है, एक ग्रो आता है उसको डाले। कितनी स्प्रे हुई है उसकी? उसकी 2 स्प्रे हुई है सर। तो 2 स्प्रे करने के बाद इसकी ग्रोथ बढ़िया मिली आपको जी। फिर ग्रोथ के बाद क्या डाला आपने? उसके बाद ब्लूम और नाइट्रो किंग का फूल जब आया तो जी। कितने दिन बाद लगाने के, कितने दिन बाद? वही 1 महीने बाद। 1 महीने बाद, लगभग 30-35 दिन बाद जी। ठीक है, ब्लूम नाइट्रो किंग आपने डाला जी। ये ब्लूम और नाइट्रोकिंग, मित्रों मैं बताऊं, ब्लूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्पेशली डिजाइन किया गया है प्रेगनेंस अवस्था में जब प्लांट जाता है उसके लिए। जब हम पौधे को भरपूर पोषण देंगे तो बीमारियां स्वतः धीरे धीरे कम आएंगी। ठीक है, इन्होंने दिया है आपके खेत में, आप यदि पूरा देखें, थोड़ा सा दिखाइएगा खेत को, तो आज भी ये अगस्त फर्स्ट वीक अगस्त 2018 का लगा हुआ पौधा है। हम 19 जनवरी को इनके खेत में खड़े हैं लेकिन बीमारियां इनके खेत में नहीं के बराबर हैं। ठीक है, अब फल की संख्या की बात करें, थोड़ा सा फल दिखाइए, ये देखिए फल को देखें आप, ये यदि मैं देखूं तो फल देखिए, इसको देखिए सर, कोई भी पौधा देख सकते हैं। और ये देखिए फल, सबसे अच्छी बात यह है कि फल इनके बड़े सीधे सीधे हैं। फलों की संख्या को देखें, फिर ये देखिए फल की मात्रा को देखें हम, तो ये पाएंगे कि फल बहुत शानदार हैं और बड़े सीधे हैं। देखिए
चाहे किसी प्लांट को ले लीजिए, इधर भी प्लांट्स हैं, मैं दिखाऊँ आपको। ये देखिए फल, देखें आप फल की मात्रा। फिर आइए आगे चलें, फिर यदि फल की मात्रा को देखें, ये देखिए इधर से देखें, ये है फल। चलिए आइए सुदर्शन जी से जानते हैं, इसको कितनी बार आप तोड़ चुके हैं? तीन तुड़ाई हो चुकी है सर। तीन तुड़ाई हो चुकी है, चौथी तुड़ाई है। आपके अगल बगल में लोग मिर्च की खेती किए हैं, उनके आपका जितना खेत का रकबा है और उनके खेत का रकबा यदि सामान्य हो, जैसे आपका एक एकड़ हम मान लें, उनका एक एकड़ मान लें, तो दोनों लोगों ने जो तुड़ाई की है उसमें क्या अंतर रहा है? सर वेट बढ़िया मिला है इसका। जैसे कितना अंतर मिला है उत्पादन में? दर में वही कम से कम डेढ़ गुने का फायदा हुआ है इसमें। मतलब आपका किसान भाइयों, आपको मैं बताऊं कि जब इन्होंने प्लांट न्यूट्रिशन का प्रयोग किया, ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग किया, सही समय से प्लांट को सही खुराक देनी शुरू की, तो डेढ़ गुना उत्पादन हुआ है जी। और खर्चे की बताइए, खर्चे पहले कितने आते थे, अब कितने हुए? पहले केमिकल से करते थे तो लगभग एक एकड़ में 30,000 के लगभग आता था। लगभग 30,000 तक आता था कम से कम। और इस बार कितना आया है? अब की बार लगभग 16-17,000 में हो गया। 16-17,000 में। एक तो देखिए, हम जब ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक प्रोडक्टों का प्रयोग करेंगे अपने खेतों में, प्लांट को न्यूट्रिशन देंगे, तो पहला फायदा तो ये हुआ कि इनकी लागत धीरे धीरे कम हुई, दूसरा उत्पादन डेढ़ गुना हो गया, और सबसे अच्छी बात यह है कि बीमारियां इनके खेतों में नगण्य है। ठीक है, ये बीज कौन सी है? 11 नामधारी की 11-0। नामधारी का 11-0-1 है ये। ठीक है, हमारे कुछ साथी हैं, YouTube साथी हैं, जिन्होंने YouTube को देखा और आज विजिट पे आए हैं, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार। नमस्ते, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम अम्बरीश गौतम है, ग्रामगंज ख्वाजा, जिला चंदौली। मैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मुगलसराय में कार्यरत हूँ, और मैं एग्रीकल्चर संबंधित जानकारी लेने के लिए मैं डॉक्टर साहब से बात किया, और ये मेरी पहली विजिट है, और मैं देख कर बहुत ही हैरान हूँ कि चौथी तुड़ाई के बावजूद भी मिर्च बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है। और इस तरीके से मतलब बायो प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक खेती का जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट है ये, और आने वाले भविष्य में मैं खुद ही इससे करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अन्य लोग भी इसको ऑर्गेनिक खेती करें। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ फील्ड खेत में खड़े हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरीके का जो है देखने के लिए बहुत ही मतलब ऊंचाई है देखने के लिए, मतलब बहुत कम समय में मतलब देखने को मिला मुझे। चलिए, ऐसा जल्दी कहीं नहीं दिखता है। हाँ। हर प्लांट में फल सामान्य है, हर एक पौधे में फल बहुत ही सामान्य है, सीधा है, और जैसा बता रहे चौथी तुड़ाई के बावजूद भी फल बहुत ही सुंदर और अच्छी क्वालिटी का है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम धर्मवीर पटेल, ग्राम बेनीपुर, पोस्ट मुर्दहा बाजार, जिला बनारस से। आप भी देखने के लिए आए हैं? हाँ सर जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मैसेज आप सर बात करें, आपको तो मैसेज क्या देंगे किसानों को? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि सभी किसान जो है जैविक खेती का प्रयोग करें, और आने वाले समय में जैविक केमिकल रहित जो है कि सब्जी उत्पादन करें और रोग से बचें। देखिए किसान भाइयों, एक तो सबसे अच्छी इस खेती की फ़ायदा ये है कि रासायनिक फर्टिलाइजर का इन्होंने प्रयोग किया है, और केमिकल स्प्रे आप भी जानते हैं कि यदि मिर्च की खेती है तो हम हर तीसरे दिन चौथे दिन केमिकल का स्प्रे करते रहते हैं। अच्छा, आपने जो इन दवाओं का स्प्रे किया है ये कितने कितने दिनों के बाद किया है? 15-20 दिन पे किया है सर। 15-20 दिन पे एक बार स्प्रे किया है आपने? कुल 3-4 स्प्रे बस हुआ है, नहीं तो उस तरह केमिकल का करने में कम से कम 7-8-10 स्प्रे लग जाता था। अच्छा, दबा के करते थे जी। ठीक है, तो किसान भाइयों, ये मेरा YouTube चैनल है, चीज़ें पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, आप विजिट करना चाहें यहाँ आके विजिट कर सकते हैं, कोई आपकी क्वायरी हो 9236-1147 पे बात कर सकते हैं। आप सबने समय दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।